टेक्निकल MRD YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा दीजिए इस घंटी को ताकि आपको मिलते रहे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, टेक्निकल MRD YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सभी फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो आप सोचते हो कि आप अपने फ्रेंड्स को एक ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बना के हम सेंड कर पाएं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरह से ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं एक एप्लीकेशन के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, हमें जहाँ पे सर्च करना है ऑल फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड मेकर, फर्स्ट नंबर पे जो है फेस्टिवल्स ग्रीटिंग कार्ड मेकर, तो हम इसको ओपन करेंगे। तो मेरे पास पहले से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो दोस्तों, आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो जहाँ पे चूज़ योर डिज़ाइन, चूज़ मैसेज सेंड, तो हम ये अब डिज़ाइन करके अब मैसेज बना के हम सेंड करेंगे अपने फ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड का। तो देखिए, जहाँ पे लेट्स बिगेन की ऑप्शन है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखो दोस्तों, आपके सामने ये बहुत सारे डिज़ाइन हैं ओपन हो जाएंगे। तो जहाँ पे जो ऐड आती है तो आप इसको बैक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत सारे जो ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन है यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम इस ग्रीटिंग कार्ड को चूज़ करेंगे, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, जहाँ पे देखिए सभी फेस्टिवल के जहाँ पे मैसेज बने बनाए आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फेस्टिवल आता है तो उसके रिलेटिव आप ग्रीटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे न्यू ईयर के लिए पोंगल, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, छंग डे, फ्रेंडशिप डे, किस डे, होली, दिवाली, तो जहाँ पे सभी टाइप के जो फेस्टिवल आपको दिखाई देंगे। न्यू ईयर के लिए हमें ग्रीटिंग कार्ड जो है बनाना है, तो हम फर्स्ट नंबर को चूज़ करेंगे। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो जहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगी, टाइटल प्रीव्यू और मैसेज प्रीव्यू। हमें टाइटल में जो भी आप देना चाहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे आपको टाइटल बने बनाए मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये टाइटल अच्छा नहीं लग रहा तो उसे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा टाइटल आ जाएगा, तो तीसरा आ जाएगा, आप खुद भी जहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे टाइटल, तो मैं जहाँ पे यही टाइटल है जो रहने दूंगा। तो उसके बाद नीचे है मैसेज, सेलेक्ट मैसेज की ऑप्शन है। तो जहाँ पे बने बनाए बहुत सारे मैसेज मिल जाएंगे, तो आप नेक्स्ट करके दूसरा मैसेज दे सकते हैं। तो देखिए, हमें दोस्तों बहुत सारे मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो ये वाला अच्छा लग रहा है, तो ये वाला मैसेज मैं जहाँ ही रहने देने वाला हूँ, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, उसके बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, प्लीज एंटर डिटेल्स। तो दोस्तों, हमें जहाँ पे फर्स्ट नंबर पे फॉर्म पे हमें लिखना है अपना नाम। तो जैसे मैं किसी को ग्रीटिंग कार्ड सेंड करने वाला हूँ, तो हम जहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, तो आप जिस फ्रेंड को सेंड करना चाहते हैं टू में, आप उसका नाम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम टाइप कर दिया है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने जो ग्रीटिंग कार्ड है बनके तैयार हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे, तो हम फॉर्म को नीचे ले जाएंगे। तो ये मैसेज हम इसी बिचकार में सेट कर देंगे। तो ये वाला है जो डेयर वाला, तो हम थोड़ा सा नीचे ले आ देंगे इसको। तो जो टाइटल है हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये ग्रीटिंग कार्ड बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप भी इस तरह से अपना ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो उसके बाद हमें नीचे डन की ऑप्शन दिखाई देगी, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रही है आपको। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन दिखाई देगी, जिसमें आप जैसे आप व्हाट्सएप पे आप किसी फ्रेंड को सेंड करना चाहते हैं, फेसबुक पे करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे आप मैंने व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड को जो ग्रीटिंग कार्ड है सेंड कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये सेंड हो चुका है। इस तरह से आप अपने फ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड बना के सेंड कर सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल आता है तो आप ग्रीटिंग कार्ड इस एप्लीकेशन में बना सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, वो उसको विश कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।